जिन तस्वीरों को आपने देखा वो विज्ञापन है मशहूर फैशन डिजाइनर सव्यसाची का। इस विज्ञापन के आने के बाद से हड़कंप मच गया और इसका विरोध मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर ये एड नहीं हटाया गया तो कड़ी कार्रवाई करूंगा। जो डिजाइनर है सव्यसाची मुखर्जी जी, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं चेतावनी दे रहा हूँ और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे रहा हूँ। 24 घंटे में अगर उन्होंने ये विज्ञापन जो आपत्तिजनक है, अश्लील है, अगर इसे नहीं हटाया तो केस रजिस्टर्ड होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी। नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी के बाद फैशन डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया, लेकिन ये विज्ञापन था क्या ये भी जान गए। दरअसल फैशन डिजाइनर सव्यसाची ने 4-5 दिन पहले एक ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया था। इस कलेक्शन का नाम द रॉयल बंगाल टाइगर आइकॉन है। इसमें से मंगलसूत्र के विज्ञापन पर हंगामा हो गया। इस मंगलसूत्र को कंपनी ने रॉयल बंगाल मंगलसूत्र 1.2 नाम दिया गया। इसे इंटीमेट ज्वेलरी के नाम से ही एडवर्टाइज किया जा रहा था। विज्ञापन में एक महिला अपने पति के साथ दिख रही है। विज्ञापन आते ही सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया। लोग पूछने लगे, सव्यसाची कपड़ों का प्रचार कर रहे हैं या कुछ और? क्या इतना अंग प्रदर्शन इंटीमेट ज्वेलरी को जस्टिफाई करता है? और बवाल बढ़ने पर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दे दी। हालांकि विज्ञापन के हटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सव्यसाची को भविष्य में ऐसा विज्ञापन न बनाने की सलाह भी दे दी। मेरे कहने के बाद उन्होंने उसे हटा लिया है, इसलिए वर्तमान में ये विषय का मैं पटाक्ष भी अपनी ओर से मानता हूँ, लेकिन पहली बार चूंकि डाबर हो या सव्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। फैशन डिजाइनर सव्यसाची ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विज्ञापन वापस लेने की बात लिखी। उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा कि विरासत और संस्कृति को संवाद का एक हिस्सा बनाने के संदर्भ में मंगलसूत्र कैंपेन का उद्देश्य सबको साथ लेने और सशक्त करने का था। कैंपेन का उद्देश्य एक उत्सव मनाने का था, लेकिन हमें इस बात का गहरा दुख है कि इसने हमारे समाज के एक वर्ग को आहत किया है, इसलिए सव्यसाची ने इस कैंपेन को वापस लेने का फैसला लिया है। बहरहाल विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं अगर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने इससे पहले डाबर कंपनी को उस विवादास्पद विज्ञापन को वापस लेना पड़ा था जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था। उस विज्ञापन को लेकर भी सोशल मीडिया पर बवाल के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी और अब सव्यसाची ने भी अपना विज्ञापन वापस ले लिया है।